लाभदायक सिद्ध होगा। लाभ स्थान पर जब गुरु जाता है तो छोटे भाई बहनों को भी सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाला रहेगा और आपका पराक्रम आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका मेहनत सफलता की ओर अग्रसर होगी। संतान जीवन के लिए सर्वोत्तम समय है ये। संतान जिनको नहीं हो रही है योग बन सकता है इस सप्ताह में, और जिनको संतान होने की स्थिति है उसके लिए भी सुखद समाचार है, और जो संतान है उसके लिए भी बहुत सुख शांति का समय है, और पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों के लिए उत्तम फल बुद्धि का मन का रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। इस प्रकार से ये गुरुदेव आपका जो है सो कर रहे हैं जो आपकी राशि से ग्यारहवें हैं। ग्यारहवें गुरु और क्या करते हैं, आपके पत्नी का भरपूर सहयोग दिला रहे हैं। नौवें भाग्य वृद्धि चय नौ में है तो भाग्य वृद्धि कराने वाले रहेंगे। इस प्रकार से अष्टम स्थान पर उनकी दृष्टि जा रही है, ये उत्तम फलदायक रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। शनि देव की स्थिति क्या है, शनि आपकी राशि से ग्यारहवें है तो ग्यारहवें शनि क्या रहेंगे, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं और लाभ दे रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यानी मीन राशि वालों के लिए ग्यारहवें शनि स्वास्थ्य तो बिगाड़ रहे हैं लेकिन लाभ भी दे रहे हैं, एकादशी सर्व लाभम सब प्रकार का लाभ दे रहे हैं। और शनि आपके संतान जीवन में थोड़ा कष्ट प्रदान करने वाले बने हुए हैं, साथ साथ में आयु स्थान पर शनिदेव जो है तो आयु भाग्य स्थान पर भी थोड़ा सा संकट डाले रखे हैं। इस प्रकार से आपको शनिदेव के कार्य बताए। राहु की स्थिति बहुत ही ज्यादा विकट क्या है, सबसे ज्यादा राहु आपके लिए तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। राहु आपके लिए बहुत बहुत फल देने वाले, त्रिकट एकादशे राहु त्रिकट एकादशे शनि त्रिकट एकादशे केतु सर्वारिष्ट निवारणम। 3, 6, 10, 11 इन राहु में इन भावों में राहु शनि केतु बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। आपके 1.5 वर्षों के लिए राहु बहुत अच्छा फल देने वाले मीन राशि वालों के लिए आ चुके हैं। देखो गुरु अच्छा फल दे रहे हैं लाभ स्थान पर चल रहे हैं, शनि अच्छा फल दे रहे हैं वो भी लाभ स्थान पर चल रहे हैं, और इस समय राहु देव जो सबसे संकट वाला ग्रह है वो भी आपके तीसरे स्थान पर अच्छा फल दे रहे हैं। रोग और शत्रुओं का विनाश करके लक्ष्मी योग प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से राहु शनि ये बहुत ही अच्छा फलदायक दिख रहे हैं। मंगल की स्थिति क्या है, मंगल थोड़ा समय और लीजिए उसके बाद मंगल भी अच्छे होने वाले हैं। मंगल जो है तो इस समय आपके राशि पर ही चल रहे हैं, तो राशि पर मंगल चल रहे हैं तो क्रोध बढ़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है और अनेक प्रकार स्वाभिमान जागृत होता है, गुस्सा में तेजी आ रही है, कल्याण की भावना जरूर बना रहे हैं लेकिन आपका उतावलापन, जल्दी में कोई कार्य करना चाहे तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, पत्नी का स्वभाव बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, विवाद चल रहा है पत्नी के साथ, इस प्रकार से ये राहु मंगल देव कराने वाले हैं इस सप्ताह, थोड़ा संभल के रहना है। और मंगल देव इसके बाद में साथ साथ में मंगल देव क्या कर रहे हैं कि आपके जो है सो मंगल देव राशि पर होने से चतुर्थ स्थान में सुख में भी बाधा पहुंचा रहे हैं। केतु की स्थिति क्या है, केतु वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं और वृश्चिक राशि पर चलने के कारण केतु आपके जो है सो मीन मेघ वृक मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक नौ में भाग्य वृद्धि भाग्य में बैठे हैं, भाग्य में चल रहे हैं। केतु जब भाग्य में चलता है तो केतु प्रसिद्धि का ग्रह है, जहाँ भाव में बैठता वहाँ प्रसिद्धि दिलाता है, आपके भाग्य की प्रसिद्धि करा रहे हैं, कितने आप भाग्यशाली है ये पूरा संकेत जो है सो केतु कर रहा है। इस समय भाग्य स्थान में अचानक काम कराने वाला है, अचानक बहुत अच्छा फल दे रहा है,
कोई अचानक आपको जो है सो आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, कहीं भाग्य की स्थिति मजबूत कर रहा है, कहीं व्यक्तियों की स्थिति मजबूत कर रहा है, तो भाग को मजबूत कराने वाले हैं अचानक कार्य कराने वाले। ध्वजा पताका फैल रही है आपकी। केतु के बाद में शुक्रदेव की स्थिति क्या है? शुक्रदेव भी इस समय भाग में चल रहे हैं। शुक्र भाग में बैठ करके पत्नी के सहयोग से, स्त्री जाति के सहयोग से आपका भाग बढ़ रहा है और उनके सहयोग से आपके बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं और जो भविष्य में होने की संभावना दिख रही है। बुधदेव की स्थिति क्या है? वो भी भाग में चल रहे हैं लेकिन दशम हो जाएंगे, उसके पश्चात दशम होने वाले हैं, यानी 17 तारीख को बुधदेव दशमें हो जाएंगे। तो भाग में भी अच्छा व्यापार करा रहे हैं और दशम में अच्छा व्यापार कराएंगे। व्यापार में आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे और व्यापार अच्छा चलेगा इस सप्ताह में। व्यापार की गुंजाइश अच्छी रहेगी मीन राशि वालों के लिए। साथ साथ में आपके जो शुक्र हो गए, मीन हो गए, चंद्रदेव की स्थिति क्या है? चंद्रदेव इस समय आपके जो वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं, जो कि तारीख 13 और 14 तारीख को वृश्चिक राशि पर आपके भाग्य स्थान पर चलेंगे, 9 में भाग्य वृद्धि, भाग्य वृद्धि का शुभ समाचार देने वाले हैं। अनेक प्रकार का भाग्य बढ़ने का नया समाचार मिलेगा आपको 13 और 14 तारीख को, और 15 और 16 तारीख को ये दसवें कर्म ईप्सितम कर्म स्थान पर बैठ करके कर्म की सिद्धि देने वाले हैं। जो भी आपने काम किया है उसका पुरस्कार आपको मिलेगा इस प्रकार से। और एकादशे सर्वलाभम इस प्रकार से 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख को मैं अच्छा फल देने वाले हैं, और 17, 18 को, 16 और 17 को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, और 18, 19 को यही चंद्रदेव आपके जैसो ठीक नहीं है, उस समय खर्च का समय बनेगा, आपको अनायास खर्च करने का समय रहेगा और खर्च होगा जिसमें आपको परेशानी होगी, मन मलिन रहेगा और सप्ताह का अंत ठीक नहीं है। इस प्रकार से पूरा सप्ताह आप लोग बड़े ग्रहों के द्वारा बहुत भरपूर रहेगा। मंगल आपका कामना करता हूँ कि आपका सप्ताह अच्छा बीते। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।